हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे, सेहतमंद होंगे और खुशहाल होंगे। और आज का व्लॉग शुरू किया है मैंने मॉर्निंग से। मैं बनाने लगी हूँ ब्रेकफास्ट और रेसिपी आपके साथ शेयर करूँगी। और मैंने ऑब्ज़र्व किया है आप लोगों को मेरे ब्रेकफास्ट रेसिपीज़ पसंद आते हैं, तो मैं सैंडविचेस बनाने लगी थी। यूँ तो ये सिर्फ पनीर के सैंडविच है, लेकिन ये जो स्टफिंग है ना, ये बहुत वर्सेटाइल है, आप इसको बहुत तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। देन आई थॉट कि मैं आपके साथ ये ज़रूर शेयर करूँ, आपको ये पसंद आएगी। ये जो स्टफिंग बनने वाली है, आप इसको सैंडविच में इस्तेमाल कर सकते हो, आप इसको कीश में इस्तेमाल कर सकते हो, पिज़्ज़ा में इस्तेमाल कर सकते हैं, बहुत सारी चीज़ों में इसका यूज़ हो सकता है। मैंने इसके लिए ले लिया है एक हरी मिर्ची। ये मिर्ची बहुत तीखी वाली नहीं है, आपके हिसाब से मिर्ची लेना है नहीं लेना है वो डिसाइड कर सकते हैं। देन यहाँ पे लिया है मैंने प्याज और थोड़ा सा शिमला मिर्ची। जो स्टफिंग में सब्जियों की चॉइस होती है वो आपकी अपनी है, आपको जो सब्जियाँ पसंद आती हैं या जो अवेलेबल हैं वो सभी आप इस्तेमाल कर सकते हो। और इसमें है ना बेल पेपर्स बहुत अच्छे लगते हैं, येलो एंड ग्रीन कैप्सिकम, उसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है, बट मेरे पास नहीं थी। आजकल थोड़ा अवेलेबिलिटी का इशू है वेजीज़ में, इसलिए जो है वही मैं इस्तेमाल कर रही हूँ। आप भी आपको जो पसंद आते हैं वो इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे एक टमाटर भी ले लिया है, टमाटर को डी सीड कर दिया है, इसके बीज और जो पल्प होता है ना वो मैंने नहीं लिया है, सिर्फ जो आउटर स्टिफ कवरिंग होती है सिर्फ वो लिया है। ये तो हो गई सब्जियाँ तैयार, इन्हें मैं एक मिक्सिंग बोल में अभी ट्रांसफ़र करूँगी और इसके बाद प्रोसेस करेंगे पनीर। तो पनीर मैंने लिया है मलाई पनीर जो होता है नॉर्मल, वही पनीर लिया है। आप घर का पनीर भी ले सकते हो घर में बनाया हुआ। और इसको मैं काट रही हूँ, आप चाहें तो पनीर को क्रम्बल कर लीजिए जैसे भुर्जी में करते हैं, बट उससे फिर एक अलग तरह का टेक्सचर आएगा, मुझे वो टेक्सचर नहीं चाहिए। मैं इसको बिल्कुल छोटे छोटे क्यूब्स में काट रही हूँ। जैसे आपने देखा होगा बहुत सारे मतलब सैंडविच शॉप्स जो होते हैं ना, वहाँ पे मिलते हैं इस तरह के सैंडविचेस, इससे एक अलग तरह का टेस्ट आता है। आप चाहें तो आप इसे क्रम्बल कर सकते हैं अनडाउटली। मैं इसको छोटे छोटे क्यूब्स में आप देख रहे हैं इस तरह से काट कर तैयार कर लूँगी एक अलग टेक्सचर देने के लिए। सारा पनीर काट के तैयार करूँगी और उसके बाद शुरू करेंगे हम लोग जो स्टफिंग है उसको तैयार करना, इसमें मसाले मिलाना। अभी चीज़ें तैयार करके मैंने एक बोल में डाल दिया और इसमें डालूंगी मैं अभी थोड़ा चाट मसाला। चाट मसाला इज़ मेन कंपोनेंट, थोड़ा सा अच्छी तरह से डालिएगा, अच्छा टेस्ट ये देगा। इसके बाद मैंने यहाँ डाले हैं चिली फ्लेक्स, आप ऑल्टरनेटिवली लाल मिर्ची का पाउडर डाल सकते हो। ये एक सैशे है ना मेरे पास पड़ा हुआ था, सैंडविचेस के साथ आया था, तो वो मैंने डाल दिया है। इसके बाद ये जाएगा थोड़ा सा सैंडविच मसाला और इसके बाद शेज़वान चटनी। देखिए मसालों में क्या क्या डालना है ये आपकी चॉइस है, जो मसाले मेरे पास है वो आपके पास हो ऐसा ज़रूरी नहीं है, पर आपके पास जो है यू कैन डेफिनेटली प्ले अराउंड विद देम, थोड़ा अपने हिसाब से कि क्या अच्छा लगेगा आपको उस तरह से चीज़ें मिला लीजिए। अब ये देखिए ये कितना ड्राई लग रहा है स्टफिंग, मैं अगर इसे भरूंगी ना सैंडविच के अंदर तो ये बिखरेगा। इसे एक अच्छी बाइंडिंग देने के लिए और क्रीमीनेस देने के लिए थोड़ी और चीज़ें मैं मिलाऊंगी, एंड ऑफ कोर्स टेस्ट इन्हांसर्स तो ये हैं ही। मैंने यहाँ डाला है मेयोनीज, थोड़ा टमाटो केचप और थोड़ा हरी चटनी। इन सारी चीज़ों को अच्छी तरह से मिला लीजिए, आप नोटिस करेंगे कि आपकी जो स्टफिंग है ना ये अच्छी तरह से बाइंड हो रही है, ऑल्सो थोड़ी सी क्रीमी आपको फील होगी, वैसे ड्राई नहीं लगेगी। इन सारी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए और आपकी जो स्टफिंग है ये तैयार है। हम कभी कभी वो पिज़्ज़ा पॉकेट्स बनाते हैं, गार्लिक ब्रेड बनाते हैं, पिज़्ज़ा बनाते हैं, उन सभी में ये स्टफिंग बहुत अच्छी जाएगी। एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, थोड़ा सा ना इसको भरने से पहले चख लीजिएगा, चखना इसलिए भी ज़रूरी है जिससे कि आप इसका जो नमक है वो भी पहचान पाएँ कितनी ज़रूरत है, ऑल्सो मसालों में क्या और अप एंड डाउन आप कर सकते हैं वो भी आपको पता चलेगा। मैं यहाँ पे ना स्वीट कॉर्न डालना भूल गई थी मेरे बच्चों की फरमाइश पे, तो स्वीट कॉर्न मैंने प्रोसेस करके रखे ही थे, तो ये भी मैं ऐड कर रही हूँ। सानवी खुशी को बहुत पसंद आते हैं स्वीट कॉर्न, सब्जियों में यही उन्हें सबसे ज़्यादा अच्छी लगती है। स्वीट कॉर्न मैंने ऐड कर दिया, स्टफिंग हो गई है तैयार और अब मैं जो सैंडविचेस हैं उसको लाइन करना तैयार करूँगी।
आप चाहें तो ब्रेड को इस तरह बटर लगा दीजिए, और चाहें तो बटर लगा के रेड चटनी, केचप और ग्रीन चटनी वैसे भी लेयर कर सकते हैं, बट मैं है ना मैं नहीं लगा रही हूँ, ना मैं इसमें ग्रीन चटनी और केचप लगा रही हूँ, ना ही मैं बटर लगाऊंगी। मैं डायरेक्ट इसमें ये फिल करूँगी बिकॉज़ हम लोग को तो फ्रेश ही खाना है ना। मैं सिर्फ बटर लगाऊंगी ऊपर, अंदर बाहर बटर भी लगाएं और चटनी और केचप भी लगाएं तो कभी कभी मुझे लगता है ओवरडन जैसा हो गया है, मज़ा नहीं आता, ब्रेड का टेस्ट तो बिल्कुल आता ही नहीं है। बट लाइक चॉइस आपकी अपनी है, आप चाहें तो अंदर भी बटर और बाहर भी बटर एंड देन केचप चटनी वगैरह सब कर सकते हैं। मैं नहीं करूँगी, मैं बटर लगाऊंगी सिर्फ ऊपर सो दैट ये अच्छे से क्रिस्प हो जाए। इसको एक बार लाइन कर लिया, देन आई थॉट कि यार ऊपर भी लगाना होगा तो मैं आगे वाले नहीं करूँगी, इसके ऊपर डायरेक्टली जो मिक्सचर हमने बनाया वो मैं स्प्रेड करूँगी। ये जो स्टफिंग है इसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसे हमने सिर्फ काट काट के डाली है, कुछ भी मैश्ड नहीं है, तो चांसेस हैं कि ये थोड़ा थोड़ा सा बिखरेगा, बट देन हमने इसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी मिलाई हैं जिससे इसको बाइंडिंग आएगा। तो आप थोड़ा सा हिसाब से कि बहुत अच्छे से आपका सैंडविच फिल भी हो जाए, ऑल्सो गिरता भी ना फिरे इसका स्टफिंग, उस हिसाब से आप इसे भर लीजिए। देखिए मैं फिर से कह रही हूँ, थोड़ा बहुत तो ये गिरेगा क्योंकि सब चंक्स हैं, अगर हमने पनीर को मैश कर लिया होता तो फिर अलग बात होती, लेकिन मुझे जो टेक्सचर चाहिए उसके हिसाब से मैंने इसे मैश नहीं किया है। इसे हिसाब से भर लीजिए, स्टफिंग थोड़ी ज़्यादा ही रखिएगा तो ही मज़ा आता है, और इसके बाद ऊपर लगा दीजिए बटर। इस साइड पे यहीं पे बटर लगाएंगे और दूसरी साइड पे इसे सैंडविच मेकर में डालने के बाद बटर लगाया जाएगा। बटर मैंने लगा दिया है, अब ये जाएगा सिकने के लिए। ऑल्सो इस स्टफिंग के अंदर भी मैंने सब केचप चटनी वगैरह मिला दिया है, इसलिए भी मैं ब्रेड को और फर्दर लाइन नहीं कर रही हूँ। और इसके बाद इसको पकने दीजिए। ज़्यादातर सैंडविच मेकर ऑटोमेटिक होते हैं, आपको अपने आप पता चल जाएगा ये कब तैयार हो गए हैं। लाइट कलर डार्क कलर इज़ योर चॉइस। सैंडविचेस यहाँ पे तैयार हो चुके हैं और बहुत अच्छे बनते हैं सैंडविचेस, आप ज़रूर ट्राई करना। और सुबह में तो बहुत आसान भी है इस तरह की चीज़ें बनाना, फटाफट बन जाता है अगर आपके पास इन्ग्रीडियंट्स रेडी हों। और ये देखिए कितना अच्छा सैंडविच बनाया, आप इसको लेयर वाला सैंडविच भी बना सकते हैं, स्टफिंग और भी ज़्यादा कर सकते हैं, मेरे लिए इट इज़ इनाफ। क्योंकि कभी कभी हम बहुत ज़्यादा चटनीज और स्टफिंग और इस तरह से जब बनाते हैं ना सैंडविचेस, मुझे पर्सनली फील होता है बहुत हैवी हैवी लग रहा है, मज़ा सा कम आता है। और ये मैं थाली तैयार कर रही हूँ सिर्फ आपको दिखाने के लिए, इस तरह मैंने इसमें चिप्स वगैरह रखा है, क्योंकि जब हम बाहर से खाते हैं ना तो वो लोग इसी तरह चटनी केचप और चिप्स रख कर देते हैं, जिससे ये और भी टेम्पटिंग लगता है। ब्रेकफास्ट में हम चिप्स नहीं खाने वाले हैं, इट्स जस्ट फॉर द डिस्प्ले पर्पज़। और ये हो गए हैं सैंडविचेस तैयार, डू गिव दम अ ट्राई, आपको बहुत पसंद आने वाले हैं। और सानवी खुशी को चीज़ वाला सैंडविच खाने का मन था, तो ये वाले जो सैंडविच मैं बना रही हूँ इसमें थोड़ा सा चीज़ भी लगाऊंगी सानवी खुशी के लिए, उन्हें बहुत पसंद आता है।
एंड लुक एट देम, कितने अच्छे बने हैं, टेम्पटिंग लग रहे हैं ना, बहुत अच्छे बने थे खाने में। आप ज़रूर इन्हें ट्राई करना, आपको बहुत पसंद आएंगे। और ये स्टफिंग बिल्कुल वैसी लग रही है जैसे बाहर मिलने वाले जो वेज सैंडविच होता है ना, पनीर सैंडविच बेसिकली, बिल्कुल वैसा ही टेस्ट इसमें आ रहा था। सैंडविचेस सारे हो गए हैं रेडी, और ये जो मेरा सैंडविच मेकर है इसे मैं तुरंत ही साफ़ करके रख दूँगी, बिकॉज़ ओवर द पीरियड आप यूज़ करते रहते हैं ना, तो ये जो सफ़ाई अभी फटाफट से साफ़ हो जाएगी वो चिकनाहट पकड़ लेती है और जम जाती है, फिर आपको इसमें बहुत मेहनत करने की ज़रूरत पड़ेगी। देन एंड देयर साफ़ करके रख दीजिए, 2 मिनट में ये सब साफ़ हो जाता है, और जो चिकनाहट है वो चिपकती भी नहीं है, आपको घिसने की और एक्स्ट्रा लेबर डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ऐसे ही मैंने टिश्यू पेपर से क्लीन कर दिया और बहुत आसानी से साफ़ भी हो गया। आपके जो अप्लायंसेस होते हैं ना, आप उनकी देख रेख का ध्यान रखेंगे ना, तो वो बहुत सालों साल चलते हैं। मेरा कोई सैंडविच मेकर आज तक कभी ख़राब नहीं हुआ, सिर्फ इसलिए कि मैंने अपग्रेड किया तो इसलिए गिव अवे किया, पर मैंने देखे हैं लोगों के सैंडविच मेकर उसमें कितनी गंद भी जमा हो जाती है। आप सिर्फ ये 2 मिनट निकाल लीजिए, आपकी मशीन सालों साल आपका साथ देगी। सैंडविच खाते खाते सभी लोग कैफ़े मोड में आ चुके थे। एक्चुअली मैंने पूछा शर्मा जी को, आप चाय पियेंगे, तो ही डिनाइड, ही सेड कि स्मूदी पीना चाहते हैं वो, या तो कोई शेक वगैरह मैं बना दूं। तो मैंने सोचा स्मूदी इज़ हेल्दियर, मैं स्मूदी बना देती हूं। तो ये शर्मा जी का स्मूदी बन रहा है। मैंने यहाँ पर थोड़ा सा दही लिया है फॉर बेस, और उसके बाद फल ले लीजिए, ये सारे ही फ्रूट्स एक्सेप्ट मैंगो फ्रोज़न है, मैंने काफ़ी वक्त से स्टोर करके रखे हुए हैं। इसमें मैंने डाले हैं थोड़े चिया सीड्स एंड फ्लैक्स सीड्स। फ्रूट्स आप कोई भी डाल सकते हैं, बस बनाना ज़रूर डालिएगा, बनाना भी स्मूदी के लिए बेस प्रोवाइड करता है। इसमें मैंने चीनी नहीं डाली है, जितनी भी स्वीटनेस है वो काफ़ी है फ्रूट्स की स्वीटनेस, और शर्मा जी को उनका स्मूदी ऐसे ही पसंद है, उनको एक्स्ट्रा स्वीटनेस नहीं अच्छी लगती है। आप चाहें तो इसमें थोड़ा सा ना हनी डाल सकते हैं वंस इन अ वाइल, अगर स्वीटनेस आप देख रहे हैं तो वो भी अच्छी लगती है। आई जस्ट टॉप इट अप विद थोड़ा सा मैंगो के पीसेस, और ये देखिए कितनी अच्छी लग रही है, और हेल्दी तो बहुत ज़्यादा है ही। शर्मा जी को बहुत पसंद आती है उनकी स्मूदीज, और वो स्मूदी लवर है मेरे घर में सबसे बड़े वाले। ये सानवी खुशी की स्मूदी बन रही है, इसमें मैंने दही नहीं डाला है, सिर्फ इसमें फ्रूट्स डालूंगी मैं, और वो दोनों के लिए बन रही है, तो चिया सीड्स फ्लैक्स सीड्स भी नहीं डाल रही हूँ, बल्कि मैं थोड़ी सी चीनी डालूंगी उन लोगों के लिए, बिकॉज़ उन लोगों के लिए थोड़ा सा कम मीठा है। और स्मूदी में आप फ्रूट्स के साथ एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, जो फ्रूट्स आपके पास हों, आपको जो पसंद आते हों वो लीजिएगा। एंड यस, जैसा मैंने कहा, ये सारे ही फ्रूट्स फ्रोज़न हैं, फ्रोज़न फ्रूट की स्मूदी बहुत अच्छी बनती है, आप ट्राई कीजिएगा, ये यमी है और हेल्दी है। और आप लाइट ब्रेकफास्ट करना चाहते हैं ना, तो सिर्फ स्मूदी का ग्लास काफ़ी है आपके लिए। मैंगो चंक से इसको भी मैं टॉप कर रही हूँ। सानवी खुशी के लिए स्मूदी हो गई तैयार, पर मैं अपने लिए बनाऊँगी चाय। मुझे चाय मांगता है सुबह में भी और शाम में भी। मैंने सोचा जब मैं कर ही रही हूँ काम, तो एक छोटा सा काम और कर देती हूँ। मैं यहाँ पे बनाने लगी हूँ स्ट्रॉबेरी आइसक्रीम। ये स्ट्रॉबेरीज़ भी फ्रोज़न हैं, जब सीज़न में थी मैंने बहुत सारे फ्रूट्स फ्रोज़न कर लिए हैं, और क्योंकि स्ट्रॉबेरी काफ़ी खट्टी होती हैं और इसको हम डायरेक्टली ले रहे हैं, तो इसलिए मैं इसमें थोड़ा चीनी डालूंगी, वरना ये बहुत खट्टा लगेगा, आपका आइसक्रीम खट्टा बन जाएगा। चीनी डाल के इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए एकदम फाइन, और ये आइसक्रीम उस दिन आपके साथ रेसिपी शेयर किया था ना मैंने, बस इतना सा ही बचा है ये बेस आइसक्रीम, क्योंकि ये बेस है इसको डायरेक्टली मैं ऐड कर दूंगी इसके अंदर, स्ट्रॉबेरी का जो हमने अभी मिक्सचर तैयार किया है। और ये जो बेस आइसक्रीम है इसमें वनीला मैंने नहीं डाला है, आप चाहे तो यहाँ थोड़ा स्ट्रॉबेरी के लिए कलर और एसेंस डाल सकते हो, बट ट्रस्ट मी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। कलर देखिए, ऑलरेडी स्ट्रॉबेरी आइसक्रीम जैसा कलर आ चुका है। इसे ये जो पॉप्सिकल मेकर कहते हैं इसे, आई डोंट नो, आइसक्रीम मेकर, कुल्फी भी मैं इसी में जमाती हूँ, इसमें मैं ये डाल दूँगी। थोड़ा सा ही था, बट एक बार की आइसक्रीम की क्रेविंग के लिए काफ़ी हो जाएगा। और सारा का सारा मिक्सचर मैं इन कैविटीज़ में पोर कर दूंगी, और इसे सेट होने के लिए रखिएगा कम से कम 6 घंटे। ज़्यादा रखेंगे तो अच्छा है, बट मिनिमम 6 आवर्स इज़ गुड।
इसको थोड़ी देर रूम टेम्परेचर पे आने के लिए छोड़ देती हूँ, अदरवाइज ये ढक्कन अलग निकल जाएंगे, आइसक्रीम अंदर ही रह जाएगा। थोड़ी देर बाद इसको टच करूँगी। थोड़ी ज़्यादा ही पिघल गई। शानू मैं आती हूँ। ये कहाँ से? आई मेड इट बेटा, टपकाना नहीं, जस्ट हैव इट। नो टेल मी कैसी है? यम्मी, मस्त है मम्मा। रुको तुम्हारे लिए भी लाती हूँ। खुशी, थैंक यू मम्मा। एंड शर्मा जी, दिस इज ऑसम। अच्छी है? स्ट्रॉबेरी ना? हाँ, स्ट्रॉबेरी। और हमारा ये स्टैंड वापस रूम में ही आ गया है क्योंकि बाहर बहुत तेज़ हवा चल रही है। एंड बच्चों की बुक्स आ गई हैं, बैग्स मैंने बाहर ही छोड़े हुए हैं क्योंकि हम लोग थोड़ी थोड़ी बुक्स, नोटबुक्स कवर कर रहे हैं और अंदर रख रहे हैं। अगर मैं ये बैग उठा के अंदर रख दूँगी ना तो फिर साल भर लग जाएगा इन्हें कवर होने में। अभी थोड़ा थोड़ा करते रहेंगे तो हो जाएंगी सारी की सारी कवर। बहुत अच्छा है। तुम दोनों के लिए एक एक और है? नहीं, एक एक और नहीं होगा, दीज आर फाइव ओनली, एक ही एक्स्ट्रा है। चलो से बाय। तुम खाओगे? हाँ, दोनों आधा आधा खा लेंगे। राइट, वी आर एंडिंग द ब्लॉग, से बाय।